आई हूँ। ये चादर दुआओं की चादर है, आपकी खुशहाली की चादर है आपके लिए, और ये चादर मैं आप सबकी ओर से हमारी अध्यक्ष को पहना रही हूँ। आज और कल मैं जम्मू और कश्मीर के बहुत से जिलों में जाऊंगी। मकसद है सितंबर में यहाँ पर कोर्ट का आदेश है, विधानसभा चुनाव कराने हैं। हमने उसकी तैयारी शुरू कर दी है। कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक दिल्ली में हुई है, उसमें भी हमें ये बात हुई कि 5 राज्यों के चुनाव आने हैं, उसमें कांग्रेस पूरी ताकत के साथ उतरेगी। सबसे पहला चुनाव यहाँ पर जम्मू और कश्मीर में होना है विधानसभा का 30 सितंबर से पहले। महिला कांग्रेस ने उसकी तैयारी आज और अभी से शुरू कर दी है। हमारी महिला कांग्रेस की मांग भी रहेगी कि महिला आरक्षण कानून पारित हो चुका है, उसे विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में लागू किया जाए ताकि महिला आरक्षित सीटों से ये विधानसभा चुनाव लड़े और सदन में पहुंचकर जम्मू कश्मीर की आधी आबादी, देखा बहने आई है, महंगाई से परेशान है, वो बेरोजगारी है, पढ़ी लिखी बेटियों को सरकारी पक्की नौकरी चाहिए। हमारा वायदा है जम्मू कश्मीर की हर पढ़ी लिखी बेटी को हम सरकारी पक्की नौकरी देने का प्रयास रहेगा। जो बहने हमारी उम्र हो चुकी है, महंगाई बेरोजगारी में काम चाहती है, हम हर बहन को घर बैठे बैठे काम और कमाई देने के ऊपर अपने इस पूरे दौरे पर चर्चा करेंगे। हमारी जम्मू कश्मीर की बहनें आज भी घरों में बहुत से काम करती हैं और हाथ से बहुत सी चीजें बनाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देख रहे हैं कि बेरोजगारी और महंगाई से वो लड़ नहीं पा रही हैं। अब हम उन्हें आर्थिक ताकत देंगे, संगठन मजबूत करेंगे और संगठन के साथ साथ हम आधी आबादी की हिस्सेदारी राजनीतिक तौर पर तय करेंगे और उनके मुद्दों को हम यहाँ पर पूरी ताकत के साथ उठाने जा रहे हैं। बिल्कुल, कांग्रेस वर्किंग कमेटी पर इस पे चर्चा हुई है, फैसला क्या होगा। हमारा शीर्ष नेतृत्व श्री राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे साहब बैठकर तय करेंगे कि अलायंस होगा अलायंस नहीं होगा। पर हाँ, ये है कि हमने ये चुनाव जो है इंडिया अलायंस ने, अगर जम्मू और कश्मीर की बात करेंगे, 5 सीटों पर मजबूती से मिलकर लड़ा है और हम 5 में से 2 सीटें जीतने में कामयाब हुए हैं। शपथ ग्रहण हो रहा है, स्पीकर बंद कर दो, उसका माइक ले लो, मैं बार बार कह रहा हूँ। आज शाम को शपथ ग्रहण हो रहा है, तो किस तरह देखती हैं आप? देखिए, हमने देश के तानाशाह को कमजोर कर दिया है। वो तानाशाह 400 सीटें मांग रहा था, वो तानाशाह 300 नहीं 272 बहुमत नहीं हासिल कर पाया, वो तानाशाह कमजोर हुआ है। ये हमारी जीत है, क्योंकि वो मांग रहे थे 400 सीटें देश के संविधान को बदलने के लिए, हकों को छीनने के लिए। जम्मू और कश्मीर के हकों को उस तानाशाह ने बहुमत के दम पर छीना है, जम्मू कश्मीर राज्य को जम्मू कश्मीर लद्दाख बना दिया और उसके बाद यहाँ का पूर्ण राज्य का दर्जा छीना, लोक विधानसभा भंग कर दी, राष्ट्रपति शासन लगा दिया, चुनाव नहीं होने दिए, ये सब उसने किया है। लेकिन अब वो कमजोर हो चुका है और हम ताकत से विपक्ष में बैठे हैं, पर हमें विश्वास है ये सरकार 5 साल चलने वाली नहीं है। कांग्रेस की, इंडिया अलायंस की सरकार आने वाले समय में इन्हीं चुनावों के बाद आपको बनते हुए दिखेगी। मैडम, कांग्रेस की जीत को आप कैसे देखते हैं, बदलाव देखते हैं आप हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, आप देख रहे हैं। जिस नरेंद्र मोदी जी जिस उत्तर प्रदेश से आते थे, उस उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में से हमने 43 आधे से कम पर उन्हें रोक दिया है। स्मृति ईरानी अमेठी से कांग्रेस के एक छोटे से कार्यकर्ता से 1.5 लाख से हार जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते थे उनका मार्जिन 10 लाख का रहेगा, 1.5 लाख पर प्रधानमंत्री जी हारते हारते किसी तरह अपनी कुर्सी बचा पाए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाजपा की संसदीय दल की मीटिंग नहीं बुलाई अभी तक, क्योंकि भाजपा के अगर संसदीय दल की मीटिंग बुलाई जाती तो हमें पता है नितिन गडकरी जी, शिवराज सिंह चौहान जी,
बहुत से नेता नहीं चाहते थे कि प्रधानमंत्री दोबारा मोदी जी बने, क्योंकि बहुमत विश्वास खो दिया था। इसलिए एनडीए की मीटिंग में उन्हें पहले नेता चुना जाता है। और वो एनडीए में जो नीतीश कुमार जी हैं, वो नीतीश कुमार जातीय जनगणना चाहते हैं और मोदी जी देश में जाति जनगणना नहीं चाहते हैं। आपके जो हैं चंद्रबाबू नायडू जी आंध्र प्रदेश से इनके साथ हैं, वो मुस्लिम आरक्षण की वकालत करते हैं संविधान में और मोदी जी उसका विरोध करते हैं। सो इसीलिए ये सरकार चलाना आसान नहीं रहेगा, ये सरकार गिरेगी, अपने आप गिरेगी और इंडिया अलायंस सरकार बनाएगा और जम्मू कश्मीर के हक लौटाएगा। बिल्कुल, मेन रीजन वही वैसाखी, जो बैसाखियां हैं जेडीयू और टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश, वो बैसाखी कमजोर है। वो बैसाखी कमजोर है क्योंकि वो दोनों बैसाखी मोदी जी को तानाशाह कहती रही, मोदी जी को कहती रही कि आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू जी को तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोते हुए देखा था हमने, जब ईडी से उन्हें गिरफ्तार किया गया और उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पे, चंद्रबाबू नायडू जी, नीतीश जी आप ही ने तो मोर्चा खोला था मोदी जी के खिलाफ, है ना, और आज उनके साथ आप हैं पर चंद दिनों के लिए हैं, ये उन्हें भी पता है। शुक्रिया। नहीं, मैं फिर कह रही हूँ, ये लोकसभा के चुनाव थे, हम बहुत सीमित संसाधनों में लड़े, हमारा इनकम टैक्स की रेड करके हमारे खाते सीज कर दिए गए, हमारे पास पैसा नहीं था लड़ने के लिए। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सब चुनाव आयोग से हम लड़ रहे थे, हम गोदी मीडिया से लड़ रहे थे। नैरेटिव सेट किया जा रहा था मोदी जी द्वारा, मच्छी, मटन, मुस्लिम, घुसपैठिए, पाकिस्तान, क्या क्या नहीं लाए इन चुनावों में, पर देश बटा नहीं क्योंकि राहुल गांधी जी ने बटने नहीं दिया। भारत जोड़ो यात्रा की, अयोध्या, भगवान श्री राम का जहां पर मंदिर बना है वहां पर कांग्रेस और इंडिया अलायंस जीता है 5 सीटें। उत्तर प्रदेश की जो भगवान श्री राम के मंदिर के आसपास कई हैं वो इंडिया अलायंस ने जीती हैं और देश बटा नहीं धर्म पर, यही हार उस तानाशाह और भाजपा आरएसएस की हुई है। तीसरी बार पीएम बने जा रहे हैं, कैसे देखते हैं? कमजोर है वो प्रधानमंत्री, ये प्रधानमंत्री ने बहुमत खो दिया है, बैसाखियों के दम पर हैं, भाजपा के अंदर भी उनको समर्थन नहीं मिला, वरना भाजपा के संसदीय दल की बैठक क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं उसमें मोदी जी आपको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नेता चुना गया। सीधा एनडीए पर दबाव बनाकर आप लंबे समय नहीं चल पाएंगे, और अगर आप चल भी गए तो विपक्ष आपकी तानाशाहियां, कृषि कानून आप लाए, आपने जम्मू कश्मीर के हकों को छीनने का काम किया है, अब आप वो नहीं कर पाएंगे, हमें इस बात की खुशी है।